अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम यहाँ पे आए हैं मोजले में, और मोजले बाग ये बहुत बड़ा पार्क है, और आज इस पार्क की आपको सैर कराएंगे, और आज इस पार्क की जो नेचर है उसके बारे में आपको बताएंगे, और इसकी हिस्ट्री क्या है। और ये एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, एक जंगल है, और आपको यहाँ पे दिखाएंगे कि यहाँ पे रंग बिरंगे हर किस्म के परिंदे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो लोग यहाँ पे आते हैं, अपने बच्चों के साथ आते हैं यहाँ के लिए। वॉकिंग ट्रैक है, तो आज हम आपको बताएंगे। तो आज हम यहाँ पे इंट्रोस पे खड़े हैं, आप ये देख सकते हैं इसका कुछ इस तरीके से मैप बना हुआ है। तो ये बहुत बड़ा लंबा ट्रैक है, ये कम अज़ कम 2 से 3 माइल का ये जो है ना ये ट्रैक है, और हम यहाँ से आज आपको इस ट्रैक पे जाएंगे और इसकी खूबसूरती दिखाएंगे आपको, और आज इस पार्क को हम एक्सप्लोर करेंगे। तो मुझे यकीन है कि आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। तो ये जंगल आपको नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ से बहुत ही जो है ना बहुत ही घना जंगल है। यहाँ पर बड़े बड़े दरख्त हैं, बड़े बड़े आलीशान दरख्त हैं यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। ये है खुदा की कुदरत, ये अल्लाह ताला की तख्लीक है। देखें जी, अब पतझड़ का मौसम है, सर्दियां हैं, सर्दियों की वजह से पत्तर झड़ चुके हैं, और दरख्त जो इनके पत्ते हैं वो नीचे ज़मीन पर हैं, और इनकी टालियां जो हैं, इनकी शाखें जो हैं वो बिल्कुल खाली की खाली पड़ी हुई है। तो इसमें वॉकिंग के लिए कोई जो रास्ता है वो इस तरह तरीके से है कि यहाँ पे मड है, तो गारा है यहाँ पर, लेकिन फिर भी हम आज यहाँ पे वॉक करेंगे, और जो जो हम आगे जाते हैं यहाँ से आगे जाएंगे आपको बड़े बड़े दरख्त नज़र आएंगे। यहाँ पर परिंदों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, बड़े बड़े ये देखें, ये बहुत पुराना दरख्त है जो ऊपर से टूट चुका है। ये जो है ये मैं आपको बताता हूँ कि 170 साल पहले इस को बनाया गया था, यहाँ पर दरख्त लगाए गए, और यहाँ के इस पार्क को, इस जंगल को बनाया गया ताकि यहाँ पर जो है ना नेचर को बरकरार रखा जा सके। तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर जो है ना चीज़ें आई जाती हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे बंदे भी बहुत ज़्यादा आते हैं, अपने कुत्ते भी लेकर आते हैं उनके साथ। ये देखें, ये आगे ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 कुत्ते हैं एक साथ में। हमने राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, लेफ्ट। तो ये देखें, ये बड़े बड़े पुराने दरख्त, ये दरख्त देखें, ये दरख्त बिल्कुल खोखला हो चुका है, ये देखें, ये अंदर से बिल्कुल खोखला है। ये कितना पुराना दरख्त होगा, ये कितने साल पुराना दरख्त होगा, ये देखें। और हम इस साइड पे ये देखें, ये सारे का सारा जंगल है ये, और आपको सूरज मामू भी दिखाई दे रहे हैं, वो बादलों में छुपे हुए हैं। तो चलो हम इस साइड पे चलते हैं, पहले इस साइड पे हम चलते हैं, तो इस साइड पे हम आपको दिखाते हैं कि इस साइड पे क्या है, फिर उस दूसरी साइड पे।
उस साइड पे कोई ट्रैक बना हुआ है, वो देखें प्रॉपर ट्रैक बना हुआ है, उस साइड पे चलते हैं। ये देखें जी, ये इस दरख्त को देखें आप, ये दरख्त देखें कितना बड़ा और कितना, और ये वाला दरख्त जो है, खासकर ये वाला दरख्त, इस दरख्त को देखकर ऐसे लगता है कि ये देखें कितने हजार साल ये इस दरख्त को हो चुके हैं। देखें ये दरख्त बिल्कुल सूख चुका है, बिल्कुल सूख चुका है, ये देखें। तो आप यहाँ से ये कुछ ट्रैक बना हुआ है इस तरीके से, तो हम यहाँ से ये देखें जी, ये दरख्त इतना बड़ा दरख्त है, इसकी चौड़ाई देखें, ये देखें, वाह मौला तेरी कुदरत, ये सब खुदा की खुदाई है, यहाँ पे हर चीज जो है ये खुदा की वाहदानियत जो है वो पेश कर रही है कि अल्लाह ताला ही है, ये सब कुछ कर सकता है, ये सब तखलीक अल्लाह ताला की है। ये देखें, हम जो जो आगे जा रहे हैं, मैं परिंदों की आवाजें आ रही हैं, अच्छा जी यहाँ पे चलने के लिए इन्होंने इतना ज़बरदस्त किस्म का ये जो एक पुल टाइप, ये एक पुल नमाज जो है ये ट्रैक बनाया हुआ है, और इस साइड पे देखें ये सब जंगल है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी सब जंगल है, ये सब जंगल है, और जंगल में ये देखें कि इन्होंने कितना खूबसूरत किस्म का ये जो ट्रैक है ये बनाया हुआ है। देखिए बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे मौजूद हैं, और लोग यहाँ पे वॉकिंग कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं। आप यहाँ पे ये देखें, ये कुछ पौनी भी है, वो ये देखें यहाँ पे कुछ पाँव लगे हुए हैं, ये देखिए मैं नज़दीक से आपको दिखाता हूँ, ये देखें ये पाँव लगे हुए हैं, यहाँ पे पाँव लगे हुए हैं, ये कोई फॉक्स है या कोई ऐसी चीज़ है यहाँ पे जो इस जंगल में मौजूद है। ये है जी मोटर, ये पानी है, ये पानी कुछ इस तरीके से जा रहा है यहाँ से, ये जो है ना दरख्त ये टूट चुके हैं दरख्त, ये देखें ये दरख्त भी टूटा हुआ है, और ये दरख्त भी यहाँ से ऊपर से टूटा हुआ है, ये देख सकते हैं बहुत पुराना दरख्त है, ये देखें कुछ इस तरह तरीके से ये टूटा है दरख्त यहाँ से ऊपर से। ये देखें ये टूटा हुआ दरख्त है, ये जमीन पे पड़ा हुआ है, ये देखें ये कुछ इस तरीके से ये यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये देखें बड़े बड़े खूबसूरत तरीके से इन्होंने ट्रैक बनाया हुआ है यहाँ पे चलने के लिए, और ये पानी है, बहुत घना जंगल है जी यहाँ पे, यहाँ पे परिंदे की परिंदों की आवाज़ें आप सुनाई आपको सुनाई दे रही हैं।
ये देखिए इस साइड पे देखिए, ये देखिए कितना घना दरख्त। Look at the tree, it's so old. Yeah. ये देखिए, ये देखिए कितने ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं यहाँ पर। यहाँ पर छोटे छोटे कुत्ते को साथ लेकर आते हैं ये लोग, और यहाँ पे पानी जो है इस यहाँ से ऊपर से पानी आ रहा है और यहाँ नीचे पानी जा रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये पानी आ रहा है यहाँ से। यहाँ पे चिड़ियों की चू चू, बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पे चिड़ियाँ चहचहा रही हैं और एक कुदरती जो संगीत है वो उसका एक अपना मज़ा है। यहाँ पे जब आप आते हैं ना तो हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, जो गाड़ियों की शू शू शाह शाह से जो हम लोग तंग हो जाते हैं, अब यहाँ पर जब आते हैं तो देखें कितना खूबसूरत मंजर है ये। यहाँ पे कुदरती एक अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ है ये, और यहाँ पे परिंदे खूबसूरती के साथ तो आप यहाँ पे जो है ना, आप जब आते हैं तो आपका सब वो जो सिस्टम होता है ना वो एक तरफ हो जाता है, और यहाँ पर आप मुकम्मल तौर पर इसको फील कर सकते हैं कि कितना खूबसूरत माहौल है यहाँ का। वो ये जो ट्रैक बना हुआ है यहाँ पर, ये देख सकते हैं पानी में इस साइड पे पानी है, परिंदे चहचहा रहे हैं, बड़े बड़े खूबसूरत मंजर है। यहाँ पे आप बड़े बड़े ऊंचे आलीशान दरख्त जो आसमान से बातें कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं, और आप यहाँ से इस साइड पे चलते हैं तो यहाँ पर बंदे भी आते हैं, यहाँ पर बच्चे भी आते हैं, और ये कुत्ते साथ रखे हुए, ये बैठे हुए बंदे, ये देखें ये पीछे, बड़ा ही खूबसूरत मंजर है यहाँ। Hello, you're right. Yes. You enjoyed? Nice weather, isn't it? Yeah, nice weather. Yes. Today. Watch out for tomorrow. Yeah. The wildlife and history of Mosley Bog. The wildlife and history of Mosley Bog. So, यहाँ पर देखिए, ये देखिए. Stop it. Wet woodland and mill pool भी यहाँ पे है, fin भी है. तो यहाँ पे जो है ना जॉयस वुड, वो ये बड़ा खूबसूरत सा सिस्टम है यहाँ पर, और फाउंड भी यहाँ पे मौजूद है। तो देखते हैं हम आगे आगे जाते हैं, देखते हैं क्या क्या सीन है भाई। सो
वाह दोस्तों, एक चीज़ मैंने यहाँ पे देखी है, ये देखें, यहाँ पर एक दरख्त है, वो दरख्त को तराशा गया है, तराश कर उन्होंने ये चीज़ बनाई है यहाँ पर। ये देखें, ये दरख्त को तराश कर किसी ने ये खूबसूरत स्पाइडर बनाया हुआ है, और स्पाइडर लग रहा है या कुछ इस तरीके से कोई फ्लाई भी है, और समथिंग लाइक ये देखे, ये इस साइड से भी आ सकते हैं, यहाँ से इस साइड से भी जा सकते हैं। ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है, देखें कि इस फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने के लिए आपको उन्होंने वॉकिंग ट्रैक बनाया हुआ है। ये वॉकिंग ट्रैक का जो ये देखें, इतना खूबसूरत किस्म का है कि आप इजीली यहाँ पे वॉक कर सकते हैं ऑल द वे। और ये कुछ छोटा नहीं है, ये कम अज़ कम हम 2 माइल जो है वो हम लोग यहाँ पे वॉक कर चुके हैं। हम देख रहे हैं इस सारे के सारे इस जंगल को और इसकी खूबसूरती को। यहाँ से पानी देखे, ऊपर से इधर से पानी आ रहा है, ये पानी नीचे जा रहा है कुछ ऐसे। ये देखे, अच्छा जी इस साइड पे क्या है, मेरे ख्याल से यहाँ पे अब एंड है, या इस साइड पे एंड है। तो यहाँ से वापस अब देखते हैं यहाँ पे पानी कहाँ जा रहा है जी, इन्होंने पानी का क्या निज़ाम बनाया। ये जंगल है जी पीछे, और यहाँ पे जंगल का इख्तिताम होता है, यहाँ से आबादी शुरू हो जाती है। तो इन्होंने, मैं आपको दिखाता हूँ, अच्छा अच्छा इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ, यहाँ से पानी आता है सारा जंगल का। ये देखो, ये पानी आ रहा है, और यहाँ से पानी देखे जा रहा है। ये देखो, और फिर उस साइड से इन्होंने पूरा गटर बनाया हुआ है, इस टनल टाइप, वहाँ से पानी आता है। और इस साइड पे दी एंड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से आगे आबादी शुरू हो जाती है। ये कुछ सीन है यहाँ का, आप यहाँ से आप वापस आ रहे हो, आप अब यहाँ से जाएंगे वापस। तो दोस्तों ये था आज का कुदरती हुसन जो आपने देखा, ये नेचर थी। यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर जो लाइफ है, ज़िंदगी है, वो बहुत ही ज़्यादा बिजी है, और इंसान को यहाँ पर ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं। हम लोग अपनी ज़िंदगियों में इतने मसरूफ़ हो चुके हैं कि हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिलती ही नहीं है। तो मैं आप सब से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपनी सोशल लाइफ के लिए कुछ टाइम निकालें,
और बच्चों के साथ अपनी सेहत के लिए कुछ बाहर निकले। यकीन माने कि आपकी ज़िंदगी जो है वो आप अच्छा फील करेंगे। आपकी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है अगर आप उसको अच्छे तरीके से गुजारें तो। अब ये पीछे सारा जंगल है और ये साथ आगे मकान बने हुए हैं। ये पीछे देखें, यहाँ से पीछे जंगल से पीछे जो है ये सारे मकान बने हुए हैं। ये देखें, हम यहाँ से इस साइड पे आप जाएंगे, ये देखिए बहुत घना जंगल है। इसकी इसकी जो है ना वो टहनियाँ जो दरख्त हैं इतना घना है कि आप इसके अंदर से वॉक नहीं कर सकते। ये देखें, ये कुछ ऐसा है। देखिए, उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आप पसंद करेंगे। तो दोस्तों, मेरे चैनल को आप वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप लोगों की सपोर्ट्स की मुझे बहुत ज़रूरत है। ये मेरा एक शौक़ है दोस्तों, मेरा एक शौक है। मैं कोई पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ, दिस इज़ जस्ट माई पैशन। एक शौक है उसके लिए मैं कर रहा हूँ और आप लोग जो हैं मुझे उम्मीद है कि मुझे सपोर्ट करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी ज़रूर करें प्लीज़। मैं आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार करूँगा। ये इस साइड पे देखें, नीचे ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है। कितना खूबसूरत सिस्टम है। इस साइड पे बहुत घना, ये देखें छोटे छोटे यहाँ पे बहुत ज़्यादा घना जंगल है। तो इंशाल्लाह आप हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।